अब हमारे साथ में मौजूद है, नमस्ते भाई साहब। नमस्ते, क्या नाम है सर? मेरा नाम आज़ाद नबी है, गांव सीरिया सरकला है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे ये आप खुर वगैरह बनाते हो, सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए, जैसे खुर वगैरह मतलब क्यों बनानी चाहिए? खुर इसलिए बनानी चाहिए, एक तो इनकी उम्र अच्छी रहती है, सेहत के लिए अच्छा रहता है। एक छोटा बच्चे का बनाओ तो उसका हर चीज़ शुरू से अच्छी आएगी। अच्छा जी, यानी खुल के पीछे ऐसे मानो एक तरफ की, ये भी नीचे पैर है ना, ये इनकी नीम है, ये सही है तो बॉडी सही है। और जैसे बड़े हो जाते हैं, नहीं कटवाते तो उससे क्या नुकसान? उससे भी प्रॉब्लम है, छाले की बीमारी आती है, इधर तो हम छाला बोलते हैं और इंग्लिश में लेमिनाइटिस बोलते हैं।
और कितने दिनों से ये बनवाने चाहिए खुर? ये हिसाब से पौनी दो महीने से बनवाना चाहिए। दो महीने के लगभग, जैसे इंसानों को 7 दिन से काटने की जरूरत पड़ती है ना, तो वैसे उसी तरीके से लगभग 2 महीने तो मानो इनके भी 2 महीने से और बनवाने चाहिए। उससे क्या है, जैसे एक तो जो खुर वगैरह ये अच्छे दिखने में अच्छे रहते हैं और कोई इनको नुकसान वगैरह? नुकसान नहीं होगा, कोई भी नुकसान नहीं। तो एक चीज तो ये, इसके लिए कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है क्या, या फिर हर कोई काट सकता है? नहीं नहीं सर, इसके लिए भी जॉब है, स्पेशल जॉब है। स्पेशल जॉब है, इसके लिए आपको हॉर्स ट्रेनिंग यानी आपको जॉब करना पड़ेगा, इसकी भी क्लास लगती है। अच्छा, अगर जो नॉर्मल हर कोई आदमी करने लग जाए तो उससे क्या नुकसान है? भाई इसकी हील है, इनमें दो होता है, एक हील होती है तो यानी एडी, आगे का फब। अच्छा, उरक आदमी बहुत सा काटते हैं ना तो पीछे की काट देते हैं तो पैर में पोजीशन चेंज हो जाती है। अच्छा, और एकदम इनमें हर चीज़ को देखना पड़ता है अंदर से बाहर से। अच्छा, वो चीज़ तो सही है। और मतलब इनके दर्द वगैरह नहीं होता क्या? जैसे दर्द तो जितना भी काटते तो मरा हुआ काटते, जिंदा नहीं काटते। अच्छा, मरा हुआ काटते। और जैसे आप उसमें आपने ये भी लगाई थी जो क्या बोलते हैं उसको, नाल लगाई थी, उसके क्या फ़ायदे हैं, थोड़ा से उसके बारे में बता दो। नाल के फायदे हैं, रोड के ऊपर चले तो कोई पत्थर का नहीं लगे, यानी कोई तिरछा हो फटे वटे नहीं। और जब कोई ज़्यादातर तो यहाँ तो अपने गांव में बीमारी की घोड़ी होती है तो छाला की बोलते हैं, उनको ही लगाते हैं। सादा घोड़ा कोई जरूरत नहीं है, क्यों मिट्टी का काम, बालू मिट्टी है राजस्थान में उसकी है। हाँ चलो, ओके थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।